पूछते हो? हॉट हॉट के लिए मैं एक बात आपको कहूँगा कि हॉट जहाँ तक बात है तो वो नारी के नज़रों में होता है, वो नज़र में आना चाहिए। अगर वो नज़र में नहीं आ सकता है तो आप कितने कम कपड़े पहना तो वो आ ही नहीं सकता। आपने जो टैटू लगवाया है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? टैटू लगवाया नहीं, वो बनवाया है। बहुत पुराना टैटू है बट अच्छा है। दो दिल है, एक दिल तो हमारा खुद का है और दूसरा दिल तो पूरी जनता का है। कभी तो हम यहाँ पे पूनम चोपड़ा बन के बैठे है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। विजुअल ले लो तीनों के, एक मिनट खड़े हो जाना साथ में। लड़का खुश हो गया। कौन ये? पूनम जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि शी इज़ अ गुड डांसर, मेहनती है बहुत। और मेरे साथ ये अभी माफिया बिग बॉस में उन्होंने आइटम सॉन्ग किया था और अभी ये फिल्म में भी किया सावरिया में, और अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। मैं होप करता हूँ कि वो मेहनत करेंगी तो आगे बढ़ सकती हैं। पूनम जी किस तरह किरदार है आपका? मैंने आइटम सॉन्ग किया इसमें विलन के साथ, जो क्या नाम है विलन को, ब्रिजेश त्रिपाठी। हाँ, ब्रिजेश त्रिपाठी जी के साथ। तो मुझे अच्छा लग रहा है। पहली बात है, अभी ये सबको पता ही कि दिलीप जी के साथ मैंने काफ़ी काम किया, दिलीप सर के साथ मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहा है और मैंने काफ़ी काम भी किया उनके साथ। ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है, इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में लॉन्च ही मेरे को दिलीप सर ने किया है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मेरे को इन्होंने, ये मेरे गुरु देवता। कितना मसाला है आपकी तरफ से, बोल्ड कितना बोल्ड है? अरे ये तो पूछो मत, इतना बोल्ड है, जहाँ पे हम है वहाँ पे मसाला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या कहना सर? देखिए मस्त वैसी सर, देखिए सर, आइटम सॉन्ग का ये है कि आइटम सॉन्ग मेरे दोनों ही फ्रेंड काम कर रहे हैं, रानी जी हैं और निशार खान है, जो काफ़ी अच्छा एक्टर है। वह अभी नया नया इंडस्ट्री में आया है लेकिन काफ़ी अच्छा करता है। उसकी एक फिल्म और थी शिवा या समथिंग ऐसा कुछ करके, उसमें भी उसने काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया था। तो मैं बस दिल से कहती हूँ कि उसकी फिल्म बहुत अच्छी जाए। और दिलीप गुलाटी जी डायरेक्शन में हैं, तो आई होप सो फिल्म बहुत अच्छी बनी है और मैंने देखा भी है। बस थिएटर पे कमाल करना चाहिए और पब्लिक से अनुरोध है कि आप सभी लोग चाहिए फिल्म को देखने और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। आप अभी फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो क्या चल रहा है आजकल? एक्चुअली हमने एक फिल्म डायरेक्शन दी है जो हमारे फिल्म की हमारे बैनर की फिल्म है बाप रे बाप, जो जुलाई में रिलीज़ होने वाली है। तो आप सभी दर्शकों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप हमारी फिल्म को देखने चाहिए और अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। भोजपुरी से एक अलग हट के हमने एक हॉरर फिल्म बनाई है जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अब मुझे नहीं पता भोजपुरी में वैसा लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं जहाँ तक चाहती थी कि मैं भोजपुरी सिनेमा में एक फ़िल्म बनाऊँ, तो मैंने वो फ़िल्म बनाई है। और उसमें मार्केट के भी कुछ एक्टर हैं, हाँ हीरोइन में नहीं है क्योंकि हीरोइन का उसमें कोई चांस नहीं था, इसलिए मैंने खुद ही कर लिया। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल हॉरर कॉमेडी है जिसमें लव रोमांस भी है बट हॉरर कॉमेडी ज़्यादा है। हमारी अपकमिंग फिल्म आने वाली है गुलाबो, शादी के लिए लोन आ चुकी है, गुलाबो आने वाली है जो हिंदी फिल्म है जिसमें काफ़ी हिंदी के आर्टिस्ट काम किए हैं। बाकी बाप रे बाप के प्रमोशन में ही बिजी हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं तो आज खुशी से बहुत ही बहुत ही बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि आज मेरी दोनों फिल्म का लॉन्चिंग है और साथ साथ म्यूज़िक का भी है। और मैं दोनों फिल्मों के बारे में यही कहूँगी कि एक तो बात यह है कि भाषा के कभी भी कोई लिमिट नहीं होती, लैंग्वेज इज नो बैरियर्स। तो मैंने ये सोचा कि इतनी बार मैंने सीरियल ने बनाई है हिंदी, गुजराती, मराठी, तो क्यों ना एक बार भोजपुरी में भी मैं कोशिश करूँ। तो मैंने इसलिए भोजपुरी का सब्जेक्ट चुना। आजकल ऐसा भी है कि भोजपुरी लोगों को बहुत पसंद आती है। और इसके बाद मैंने अवधि का भी सोचा कि अवधि लैंग्वेज में भी एक बना लेनी चाहिए क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं, हृदय को छू लेने वाली कहानियाँ, और बचपन से मुझे ये कहानियाँ बहुत पसंद थी। तो मैं जब छोटी थी तब से मेरा ये ख्वाब था कि मैं बड़ी होकर इस पर कभी फिल्म बनाऊँगी, तो मैंने इसलिए दोनों फिल्में बनाई हैं। प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं, उदान, प्रेमपट्टी थी, आपने ये दोनों कहानी को ही क्यों चुना? इसलिए कि इस कहानी में कुछ ऐसी बात है जो पहले नहीं आई हुई है
गोदान है, गबन है, शतरंज के खिलाड़ी है, वो सब फिल्में आ चुकी है। जब कफन को आज तक किसी ने नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा जिसे किसी ने हाथ नहीं लगाया वो मैं क्यों न बनाऊं। और इसके साथ साथ मैंने निर्मला का उपन्यास जो इन्होंने लिखा है वो भी मैंने इसलिए चुना कि दोनों में करीब करीब कुछ एक बात है, तो मैं दोनों को साथ करके करूँगी तो मैं ऐसा कुछ संदेश दे सकूँगी लोगों को जो उन्हें पसंद आएगा। कहानी नेचुरल रखी है या फिल्म लिबर्टी ली आपने? नहीं, हमने लिबर्टी नहीं ली है, थोड़ा सा इधर उधर किया है जो हम फिल्म के लिए थोड़ी सी लेते हैं, पर नहीं हमने लिबर्टी नहीं ली है क्योंकि वो प्रेमचंद जी की कहानी है तो इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो वो मैंने नहीं किया है। और क्या अपनी कास्ट के बारे में क्या कहेंगे आप, कैसे सिलेक्ट किया कास्ट? कास्ट तो मैंने पहले अगर प्रेमचंद जी की कहानी के लिए पूछे भागे न जाने कोई के लिए, तो मुझे लगा कि जो राजपाल यादव हैं उनका जो एक्टिंग का जो है स्कोप है वो ऐसा है कि आज तक लोगों ने उसे सिर्फ कॉमेडी रोल में देखा है, पर मैंने एक दो बार उनसे बात करते ही देखा था कि उनमें सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, इमोशंस भी है, तो मैंने सोचा इस रोल में शायद वो बहुत अच्छी अदाकारी कर सकेंगे। और साधु मेहर तो बहुत जाने माने सत्यजीत रे के और श्याम बेनेगल के एक्टर हैं, तो मैंने सोचा कि श्याम बेनेगल पिताजी के रोल में अच्छे रहेंगे, और नेत्रा रघुरामन उसके लिए भी मुझे लगा कि ये फ्रेश चेहरा है तो हमें लेंगे तो इस रोल के लिए वो बहुत अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ निर्मला के लिए मुझे बहुत ढूंढनी पड़ी अच्छी लड़की, क्योंकि उस रोल में सूट हो, उसमें ठीक से बैठे ऐसी लड़की चाहिए, तो मुझे रूपा मिश्रा मिल गई और बहुत सुंदर लड़की है, बहुत अच्छा किया उसने, वो नई है एक्ट्रेस पर फिर भी उसने बहुत अच्छा किया। आप प्रेमचंद जी की जीवनी पे कोई फिल्म बनाएंगी? जी प्रेमचंद जी की जीवनी पे कोई फिल्म बनाएंगी आप? नहीं, मैंने वो नहीं बनाई, मुझे अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर बनाऊँगी।